हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केस की। हम बात कर रहे थे मेंडल की, तो उसमें हम दो चीज़ों पर और फोकस करेंगे, आज बात करेंगे। एक तो हम प्लियोट्रॉपिक जीन की बात करेंगे, दूसरा लीथल जीन की बात करेंगे। इपिस्टेटिक जीन भी है और मल्टीपल एलिलिज्म है जो कोडोमिनेंसी को शो करता है। इन सब की चर्चा हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन की बात करते हैं कि प्लियोट्रॉपिक जीन है क्या। तो ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को क्या करता है, प्रभावित करने में सक्षम होता है। यानी ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होता है, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, मक्खी है, उसके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था प्लियोट्रॉपिक जीन का। और उसमें देखा गया था कि जो उसके आई है, आई की बात करें, आई तो आई के अंदर जो कलर देखा गया था, वाइट कलर का जो है, वाइट कलर जो उसके अंदर जो देखा गया ड्रोसोफिला के अंदर, तो उसमें जो वाइट आई के कलर को जो है क्या किया, निर्धारित करने वाला जो जीन था वह जो है प्लियोट्रॉपिक जीन ही था, जो उसके आई के कलर को क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है, उसको निर्धारित करता है। तो यह आप एक एग्जांपल लेंगे। दूसरा अगर एग्जांपल आपसे हम बताएं कि जो आप मटर की प्लांट्स की बात करें, तो उसके अंदर जो है कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उसके जो है कलर को, यानी सीड जो है उसके कलर को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, या उसके फ्लावर को निर्धारित करते हैं, या उसके सीड के जो कवच होता है उसके जो है उसको प्रभावित करते हैं, या पुष्पों को भी, उसके जो फ्लावर होते हैं उसको भी ये प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के जो जीन हैं, जो एक जीन जो है कई गुणों को क्या करता है, एक साथ जो है अफेक्ट डालता है, उसको प्रभावित करता है, उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे लीथल जीन की, हम लोग बात करते हैं इसको घातक या मृत्युकारक जीन्स भी बोलते हैं। तो यल क्यूनाट ने जो है, अब यह लीथल जीन है क्या, तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे लीथल जीन के कि जीवों में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उनमें जो है कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो क्या करते हैं, जीवन के किसी न किसी स्टेज में क्या करते हैं, वह उस अवस्था में घातक होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लीथल जीन, उसको नाम देते हैं। अब देखिए, इस लीथल जीन को जो लीथल जीन पे जो वर्क किया था एल क्यूनाट ने जो है 1905 में जो है इन्होंने वर्क किया था, और मस्कुलस इसको नाम देंगे, यानी घरेलू जो चूहों में जो हेयर्स हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था, और देखा था कि ये तो मेंडल के नियम का ये पालन नहीं करते हैं। मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने देखा कि 3:1 का जो मेंडल के नियम में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका रेशियो आता है, लेकिन यहाँ पर लीथल जीन में जो क्यूनाट ने जो एक्सपेरिमेंट किया मस्कुलस के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो रेशियो है वह 2:1 का आता है। अब इन्होंने क्या लिया था, अब देखिए मस्कुलस के अंदर इन्होंने वाई कलर का, यानी येलो जो है कैपिटल वाई इसको बोलेंगे, पीला रंग, और दूसरा इसके विपरीत इन्होंने स्मॉल वाई यानी भूरे रंग इसको बोलते हैं, एगाउटी कलर इसको बोलते हैं, एगाउटी। अब देखिए जो येलो कलर कैपिटल वाई है वह स्मॉल वाई एगाउटी के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। उन्होंने जितने बार इन दोनों के चूहों यानी जो माउस के अंदर इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पाया कि F1 जनरेशन में तो रेशियो 1:S का 1:1 का पाया जा रहा, लेकिन जब अब इन्होंने दो देखा कि दो जो पेयर्स अगर ले रहे हैं येलो कलर के जो हेयर्स ले रहे हैं, तो उसमें इन्होंने जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उसका रेशियो जो है 2:1 का पाया। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की, अगर हम बात करें कि एक यहाँ पर फीमेल जो है लिया गया है, फीमेल जो येलो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, F1 जनरेशन में हम इसका क्रॉस करवाएंगे, और यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई वाई मेल है, एगाउटी कलर है। अब यहाँ पर हम लोग जब यह क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कैपिटल वाई जब गैमेटोजेनेसिस होती है, यह इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग दिखाएंगे, इम्ब्रियो इसको दिखाएंगे। तो देखिए F1 जनरेशन में जो येलो कलर है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, और यहाँ पर जो है स्मॉल वाई है, ये गैमेटोजेनेसिस की बात हम कर रहे हैं कि क्रॉसिंग जब होगा। तो अब यहाँ से हम आते हैं
यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको लेकर हम आते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि अब इसको हम क्रॉस करवाते हैं, आपस में संकरण करवाते हैं। तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आप क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे, और स्मॉल वाई से इन दोनों में वन बाई वन क्रॉस करवाइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही हो रहा। तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई यह हो गया, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो यह देखा गया कि जो यपोन जनरेशन में यह जो चारों करेक्टर्स जो पाए गए हैं, इनमें जो 20% कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है वह लीथल जीन के रूप में कार्य करता है। तो बचा क्या हमारे पास, जो यह 50% येलो कलर है 50% और 25% एगाउटी कलर प्राप्त हुआ। तो 50% को हम लोग मान लेते हैं, यह टोटल 100% है। तो 50 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 हो गया रेशियो, और 25 को हम लोग 1:1 मान लेते हैं। यह तो लिथल हो गया, किसी न किसी अवस्था में जीव के अंदर जो है यह उसको किल करने का काम करता है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब रेशियो हमारा क्या आ गया, 2:1 का रेशियो प्राप्त हो जाता है, यानी यहाँ पर जो रेशियो विल बी आप 10:2 2:1, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है 3:1 का आता है।